सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हिमांशु अग्रवाल, बुटीक डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, अज तुहाडे नाल जिले दे विच कोविड-19 दी जो स्थिति है उहदे बारे तुहानूं जाणू कराउण लई रूबरू हो रहा हाँ। दोस्तों, जिहड़ा कल दा साडे कोल कोविड-19 दा डाटा आया है, उहदे विच साडे कोल 66 केस पॉजिटिव आए ने। पिछले कुछ दिनों तो साडे जिले दे विच लगभग 2000 तो 3000 दे विचकार जिहड़े सैंपल लए जा रहे ने। ये जी साड़ी पॉजिटिविटी हर 100 सैंपल पीछे लगभग 2 तो 4 सैंपल जोड़े साढ़े पॉजिटिव आ रहे हैं, जिड़े कि सितंबर के महीने जी सा पीक आई सी वो थोड़े घट ने, पर जो अपना अक्टूबर नवंबर से घट गए सी केसिस वो ये केस साढ़े ज़्यादा आ रहे हैं। कल साढ़े जिले के कोविड-19 नाल एक मौत हुई सी। इस वेले साढ़े कोल 760 जोड़े एक्टिव कोविड-19 केसिस प्रेजेंट ने, जिन्हों का इलाज अजे चल रहा है। तो जे साढ़े कल 66 केस पॉजिटिव आए थे, तो सिर्फ 42 केस जोड़े रिकवरी आए थे, जिदे करके साढ़े जोड़े एक्टिव केसिज हैं वो बढ़ गए हैं। जिमें कि दोस्तों, मैं तुम्हें दसिया है कि लगभग 2000 तो 3000 सैंपल साढ़े हर रोज़ ले जा रहे हैं। जिले के वक् जोड़े सैंपल कलैक्शन सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, तुहाडे लई प्रशासन वालों 3 मोबाइल वैना भी चलाइया गई ने, जिहड़े कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले थावां ते रुकदियां ने। उत्थे जिहड़े वॉलंटियर्स अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं वॉलंटरी बेसिस से, वो भी अपना उत्थे आके टेस्ट करवा सकते हैं। मैं प्रशासन वालों तुहानू अपील करना चाहता, बेनती करना चाहता है कि जदों भी तुहानू कोई लगे, तुहानू कोई सिमटम आउंदा हैगा, या जिमें कि तुहानू पता है कि अजकल बड़े समागम हो रहे हैं, विआह शादियां का मौका हैगा, जदों तुसी इदां दा कोई मौका अटेंड करके आउंदे हो ते तुहानू लगता है कि तुहाडी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चढ़ रहा या सुक्की खंघ है, तो जरूर आ जिहड़े असीं सैंपल कलैक्शन सेंटर खोले हुए ने या साडी मोबाइल टेस्टिंग वैनस हैगिया, उत्थे जाके अपना सैंपल जरूर दो, अपनी चैकिंग जरूर कराओ, क्योंकि जिमें कि तुहानू पता है कि भावें कई बार इस तरह भी हुंदा तुहानू लक्षण ना होवे, पर तुहानू कोविड हो सकता है। तो जिहड़े घट इम्यूनिटी वाले लोग ने, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बीमार है, उसनू तुसी ये इनफेक्शन दे सकते हो, ते तुहाडी सेहत ते भावें उहदा कोई ज़्यादा असर ना होवे, पर इन्हां दी सेहत ते तुहाडे नाल बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इस करके जदों भी तुसी कोई अजिहे समागम से जाओ या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाओ, तो तुहानू कोई सिमटम आता है, तुहानू लगता है कि तुसी कोविड का शिकार हो गए हो, तो अपने टेस्ट करवा के उहदी कंफर्मेशन जरूर करो, तां जो तुहाडे परिवार के बाकी लोग कोविड-19 तो बच सकन। दोस्तों, तुहानू पता हैगा कि पिछले दिनों के जदों दिसंबर का महीना अपना शुरू होया सीगा, सरकार वालों कोविड-19 नूं लैके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाईयां गईयां सीगियां। 9:30 बजे ये ऑर्डर किए गए थे कि जिन्हें भी साढ़े कोई रेस्टोरेंट या होटल या मैरिज पैलेसिज है वो बंद हो जाएंगे, एंड रात को 10 बजे तो लैके 5 बजे तक पूरा करफ्यू लगेगा। कोई भी व्यक्ति बिना किसी असेंशियल कमोडिटी दे कारण आपा बाहर नहीं निकल पाऊगा, तो उन्होंने घरे ही रहना पाऊगा। ये मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा है कि ये हदायतां अज भी लागू हैं, तो प्रशासन वालों पुलिस को सख्ती नाल ये हदायतां दित्तियां गई हैं कि इसनों आपा पूरी सख्ती नाल इसनों अप्लाई कराइए, इस करफ्यू नूं। सिमिलरली जिहड़ा मास्क ना लगाने ते जुर्माना सीगा, जदों भी आपा किते जा रहे हैं या बाजारां च जा रहे हैं कोई समान की खरीदारी करन लई या उदा अपने किसी वर्क ते जा रहे हैं, तो मास्क अपना जरूर लगा के रखो। इस बारे भी प्रशासन पुलिस प्रशासन को यह हदायत दी गई है कि जे भी कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो कानून अनुसार उसते जुर्माना लगाया जाए। इस करके प्रशासन वालों मेरी तुहानू बेनती है कि तुसी जिथे भी कितने निकलते हो दिन के समय अपना मास्क हमेशा नाल लगा के चलो, और जदों भी तुसी कितने समागम वगैरह से जा रहे हो, कोई विआह शादी अटेंड कर जा रहे हो, तो तुसी करफ्यू की हदायतों की पालना करते हुए साढ़े 9 तो पहला वो विआह शादी अटेंड करके वापस आ जाओ, एंड 10 बजे जिहड़ा करफ्यू इंप्लीमेंट हुंदा है सवेरे 5 बजे तक उसकी पूरी तरह सख्ती नाल पालना करो। मैं दोस्तों एक अपील करना चाहता हाँ उन लोगों तो जिहड़े कोविड-19 का शिकार होए सीगे ते पूरी तरह उस तो बाद रिकवर हो गए सीगे, उन्होंने मैं एक कहना चाहता है कि ठंड के टाइम के विच, क्योंकि तुहानू पता है कोविड-19 जिहड़ा तुहाडे लंग्स नूं अफेक्ट करता हैगा, ठंड के समय के वैसे ही जिहड़ी अपनी साह लैण दी बीमारियां है या जिहड़ी लंग्स हैगियां वो अफेक्ट होंदियां ने, क्योंकि तुहानू एक बारी कोविड-19 होया हुआ है, तुहानू विंटर्स दे विच अपना होर चंगी तरह ध्यान रखने की जरूरत है। जे तुहानू किसी भी समय लगता हैगा कि तुहानू साह लैण च कोई तकलीफ हो रही है या जिवें तुसी जे ऑक्सीमीटर कर रखिया तुहाडे ऑक्सीजन लैवल च कोई गिरावट हुंदी हैगी,
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, OPD ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।